जिंदाबाद 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 दिनों के बाद आपका अपना होम कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिट कर रहे हैं सर, और आपको माइनिंग का एडिशनल जो चेयरमैन का पोस्ट दिया गया सर अभी, उसके बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपनी तरफ से भी और मेरे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के परिवारजनों की तरफ से भी। उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का और हमारे लोहित डिस्ट्रिक्ट बीजेपी यूनिट का मान सम्मान रखा। हारने के बावजूद उन्होंने मुझे अरुणाचल प्रदेश माइनिंग डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया है। ये हमारे कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है, और उनका ये जो उन्होंने इस पद पे हम मुझे नियुक्ति किया है उसके लिए मैं एक बार फिर से तहे दिल से उसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने गोल्डन जुबली तमिलनाडु में ये घोषणा किया था, लेकिन कोरोना के कारण कुछ देरी हुआ है। कोरोना का महामारी, वैश्विक महामारी चल रहा है, उसके कारण कुछ देरी हुआ है, लेकिन अंत में उन्होंने नियुक्ति कर ही दी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। सर आपके सपोर्टर्स और पब्लिक, तेजू पब्लिक के लिए सर आपका कोई खास अपील सर? आज मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से इस पद पे नियुक्ति किया गया है। तो मेरे यहाँ पे जितने भी अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आए हैं, जो मेरे यहाँ के 44 तेजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मैं उन सभी से भी यही अपील करूँगा कि ये पार्टी थोड़ा हट के अलग पार्टी है, और अगर आप पार्टी के लिए मन से काम करोगे तो पार्टी कहीं ना कहीं किसी भी समय आपको रिवार्ड जरूर देगा, जैसे मुझे दिया गया है। तो इसीलिए पार्टी के लिए हमें सब मिलजुल के काम करना है, पार्टी को मजबूती देना है। आने वाले समय में शायद पंचायत के चुनाव का भी घोषणा बहुत जल्दी होगा, तो हमें पंचायत के लिए भी तैयारी करना है, और मैं अपने कार्यकर्तागणों से, हमारे भाजपा के समर्थकगण और कार्यकर्तागण से यही उम्मीद करूँगा कि हम सब मिल के आने वाला जो पंचायत इलेक्शन है उसमें भाजपा का जो झंडा है उसको और जोर से लहराएंगे। सर अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा सर, ईटानगर में हमारे लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू से कई सारे जो इंडिपेंडेंट कार्यकर्ता थे उन्होंने भी सर पार्टी ज्वाइन किया है सर, तो उसके बारे में कुछ इनपुट दीजिए सर हमें। देखो, ये हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, ये एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें सभी के लिए जगह है। मैं भी जो हमारे 44 तेजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 24-25 लोगों ने जो उस दिन हमारे भाजपा कार्यालय में ईटानगर में जो ज्वाइन किया, उन लोगों को भाजपा परिवार में मैं वेलकम करता हूं। मैं बस उन लोगों को यही निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि आप अपने मन से आपने भाजपा का दामन थामा है, और आप लोगों ने ये बात बताया है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है श्री पेमा खांडू जी, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके काम से आप खुश होके और उनके काम करने का तरीका को उससे आप लोग प्रभावित होके आपने पार्टी का दामन थामा है और आप पार्टी में काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा जिन्होंने भी अभी रिसेंटली पार्टी ज्वाइन किया है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में नहीं आना है। पार्टी में अगर आप आए हैं तो पार्टी के लिए काम करना है। पार्टी के बाकी कार्यकर्ता जिस जोश के साथ पार्टी का दामन थाम के पार्टी का बेस मजबूत करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, आप उसमें अपना सहयोग देंगे, पार्टी को और मजबूती आपके कारण मिलेगा, मेरा यही उम्मीद है।